नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं धृष्टिर उपाध्याय। उत्तराखंड बीजेपी में सियासी हलचल के बाद आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार शाम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा सौंपने के बाद रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी ने मुझे 4 साल तक इस राज्य की सेवा करने का सुनहरा अवसर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा। पार्टी ने अब निर्णय लिया है कि सीएम के रूप में सेवा करने का अवसर अब किसी और को दिया जाना चाहिए। रावत ने कहा कि कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल की बैठक है, उनमें नए सीएम का फैसला होगा। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद से ही इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर 3 नाम सामने आए हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी नैनीताल से, लोकसभा सांसद अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का नाम सीएम की रेस में आगे है। तीनों में से किसी एक को नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस सिलसिले में संघ के प्रमुख नेताओं से मुलाकात भी की थी। कहा जा रहा है कि नए सीएम के लिए सतपाल महाराज के नाम पर भी चर्चा चल रही है। बता दें कि सीएम रावत ने सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी उपाध्यक्ष रमन सिंह और पार्टी महासचिव दुष्यंत सिंह गौतम ने राज्य के दौरे से वापस आने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। दोनों केंद्रीय नेताओं ने राज्य में बीजेपी कोर समूह के सदस्यों से बातचीत की थी। सीएम रावत सांसद अनिल बलूनी के आवास पर भी गए थे। कहा जा रहा है कि बीजेपी के विधायकों और कुछ मंत्रियों में नाराजगी के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इन नेताओं की नाराजगी जाहिर करने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री बने रहने पर संकट जारी था। इसके बाद से ही केंद्रीय नेतृत्व इस मसले पर मंथन कर रहा था। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुख्यमंत्री पद से छुट्टी हो सकती है, लेकिन अब उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। खैर, अब देखना यह होगा कि जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें से किसको मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी जाएगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।